ना रखिए, परेशान ना हो क्योंकि खतरा टल गया। पाकिस्तानी साहिलों से टकराने से कबल ही समंदरी तूफान बी पर ज्वाय का जोर टूट गया। कराची, हैदराबाद, केटी बंदर, ठट्टा, बदीन समेत साहिली इलाके संगीन खतरात से महफूज। एनडीएमए के मुताबिक समंदरी तूफान कमजोर होकर हवा के कम दबाव को इख्तियार कर जाएगा, जिसके बाइस साहिली इलाकों में वक्फे से हल्की और दरमियानी दर्जे की बारिशों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की साहिली पट्टी को समुद्री तूफान से अब कोई खतरा नहीं। साहिलों से टकराने से कबल ही बिपरजॉय का जोर टूट गया। भारतीय रियासत गुजरात में लैंडफॉल के बाद समुद्री तूफान की शिद्दत में वाजह तौर पर कमी देखी गई। एनडीएमए के मुताबिक समुद्री तूफान कमजोर होकर हवा के कम दबाव में तब्दील हो जाएगा। कराची, केटी बंद, ठट्टा, बदीन समेत साहिली इलाके संगीन खतरा से महफूज रहे। साहिल के करीब कच्ची आबादी के मकीन अपने घर बच जाने पर भी खुश है। महकमे मौसमियात का कहना है की कराची में आंधी और शदीद बारिश का भी खतरा टल गया है। तमाम कराची समेत सिंध के साहिली पट्टी पर बादलों ने बसेरा कर रखा है। हवा के कम दबाव की वजह से साहली इलाकों में बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक केटी बंद पर हवाओं की शिद्दत में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। ज्यादा से ज्यादा हवा 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने का इम्कान है। समंदरी तूफान के पेश नजर हुकूमत ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए थे। साहली इलाकों से घर खाली कराए गए थे। आंधी के खदशे पर शहर से बिल बोर्ड भी हटा दिए गए थे। पाक फौज, रेंजर्स, इंतजामिया को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट कर दिया गया है।